समंदर के अंदर अगर कोई चीज़ मिलती है तो उसे आप खा सकते हैं, यहाँ तक कि अगर वो मुर्दार है तो मुर्दार को भी खा सकते हैं। समंदर का मुर्दार, नदियों का मुर्दार, उसका क्या हुक्म होगा? वो तो समंदर की बात थी। दरअसल मकसूद है पानी, न तो मकसूद है समंदर, न मकसूद है नदी, न ही मकसूद है नाला, न ही तालाब, मकसूद है पानी। कि पानी के अंदर रहने वाले जो जानवर हैं उनके बारे में ये हुक्म कि अगर वो पानी वाले जानवर हैं और मर गए हैं तो उन्हें आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो पानी में मर गया हो या पानी वाला जानवर हो पानी में मर गया हो, दोनों दो है। एक तो ये है कि वो बाहर रहता है, गया था पानी में, उसी में डूब गया, तो अब उसमें डूब गए तो क्या हमारे लिए हलाल हो? नहीं। अगर खुश्की का जानवर है तो पानी में मर जाने से हमारे लिए जायज नहीं होगा। हमारे लिए जो चीज जायज है वो है पानी में रहने वाला, उसमें जिंदगी बसर करने वाला जो जानवर है वो हमारे लिए हलाल है। अगर वो मर जाता है तो उसे हम खा सकते हैं बिला किसी हर्ज। लेकिन कुछ पानी में और कुछ खुश्की में रहने वाला हो वो भी नहीं इसमें दाखिल है। अब वो चाहे मेंढक हो, चाहे कछुआ हो, चाहे इस तरह का और कोई जानवर हो जो दोनों में जिंदगी गुजारता है।